मैंने जब ये स्टार्ट किया था मुझे लगता है अभी हो चुका हुआ 2 साल। ब्लॉगिंग मैंने 3-4 मंथ्स हो गए ब्लॉगिंग स्टार्ट किया हुआ, और जो जब मैं ये सीरियस हुआ हाँ मुझे इस चीज़ में आगे बढ़ना है और इस चीज़ को कभी मुझे नहीं छोड़ना चाहिए। जो अपने पास पैसन है, जो टैलेंट है, वो बाहर दिखाना चाहिए और ऐसे चीज़ लोगों को देखो कि हाँ उस चीज़ें मोटिवेट हो, तो आपको मोटिवेशन दे सके हाँ ये चीज़ मुझे वो चीज़ में हेल्प कर सकता है। तो उस चीज़ में छोटी छोटी चीज़ को कभी भी इग्नोर मत करना, वो छोटी छोटी चीज़ से आप बहुत कुछ कर सकते हो। वर्कआउट के ऊपर बात बता दूँ तो आज हम बहुत दिनों के बाद सिंगल वर्कआउट जो डिजीज़ है मसल्स शोल्डर वर्कआउट करने वाले हैं, और प्लस हमारा जो डाइट है डेली रूटीन है वो आप लोग को मैं आज शेयर करने वाला हूँ। तो ये ब्लॉग वर्कआउट के ऊपर ही रहने वाला है। ये मेरा शेड्यूल बुक है और मैं इसमें बहुत चीज़ जो मैं डेली रूटीन है वो फॉलो करके इसमें राइट करता हूँ। तो आज हम शोल्डर वर्कआउट के ऊपर लिखेंगे और कितना 1000 स्टेप्स और क्या मैं खाता हूँ, मैं जो कुछ भी डेली रूटीन में फॉलो करता हूँ मैं इस बुक में राइट करके रखता हूँ, क्योंकि इस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। क्यों? अगर हम कुछ भी करते हो उस चीज़ को लिख के रखो, राइट करके रखो, तो आपको बाद में जाके बहुत ज़्यादा हेल्पफुलनेस होता है। तभी ये चीज़ मैं कभी नहीं छोड़ता। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, आपकी वजह से मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज हम फिर से एक रीब्लॉग करने वाले, बैक टू बैक तो नहीं है, वीकली ब्लॉग है। तो ये ब्लॉग शोल्डर के वर्कआउट के ऊपर होने वाला है और डाइट्स के ऊपर, क्या रूटीन है, क्या फॉलो करते हैं, उसके ऊपर होने वाला है। तो लास्ट वाला ब्लॉग हमने चेस्ट के ऊपर बनाया था और आज शोल्डर के ऊपर बनाएंगे। तो गाइज बने रहना हमारे साथ। फर्स्ट हम अभी जाने वाले थोड़े टाइम में जिम, तो उससे पहले हम प्री लेकर जाने वाले वर्कआउट करने के लिए। आज हम प्री वर्कआउट के लिए ओट्स बना के खा के जाने वाले हैं, क्योंकि आफ्टरनून होने वाला है तो मुझे भूख लग रहा है, तो इसीलिए हम आज ओट्स खा के जाएंगे। अभी जस्ट कॉफ़ी पी के हम खाने वाले ये ओट्स से ना बहुत ज़्यादा हेल्प होता है, क्योंकि मुझे भूख लगा है तो बॉडी के लिए सबसे बेस्ट रहता है ओट्स। टाटा का ओट्स यूज करता हूँ अभी, और ये फर्स्ट मील है वर्कआउट बिफोर। अभी जस्ट रेडी होके निकलने वाला हूँ जिम के लिए, तो टाइट वगैरह हो गया है मेरा, और ये भी अपने ऑफिस जा रहा है, छुट्टी है पर फिर भी ऑफिस जा रहा है, क्योंकि अभी ऑफिस में अर्जेंट काम है, क्योंकि मैं नहीं गया तो उधर नहीं रहेगा, क्योंकि इतना बड़ा आदमी बन गया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, इतना बड़ा बन गया है ये, जैसे बांस होता है, बांस बांस की तरह आगे बढ़ गया, बड़ा बड़ा कुछ नहीं है। नेपाली में झूठ बोल रहा है बोल को फसका मारता है बोलता है, वैसे ही है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। चलो अभी जाते हैं फर्स्ट वर्कआउट करने। 12:30 हो गया, 1 बजे तक मैं पहुंच जाऊंगा उसे भी जिम पे। इसको बाय बोल के मैं जाने वाला हूँ जिम, ये जाने वाला अपना ऑफिस, आएगा बाद में रिटर्न। बैंगलोर में ना गर्मी बढ़ता ही जा रहा है, लास्ट 2 या 3 दिन पहले हल्की फुल्की
बारिश हुई थी उसके बाद से अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बैंगलोर का मौसम पहले बहुत अच्छा था, पता नहीं ये बार बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो रहा है। सारे पाप बैंगलोर में भर गए रहेंगे शायद से। हम किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हैं तो ये चीज़ कभी भी माइंड में रखना चाहिए, हाँ मैं इस चीज़ के लिए रेडी हूँ और ये चीज़ मुझे करना ही है। बिफोर वर्कआउट कंडीशन है तो वर्कआउट करने के बाद आफ्टर देखते हैं कितना तक पंप आता है। इसमें मैंने 5 ग्राम क्रिएटिन डाला है तो इसको पीने के बाद मैं वर्कआउट स्टार्ट करने वाला हूँ। इसको पीने के 5 मिनट बाद मैं वर्कआउट स्टार्ट करूँगा। आगे अब जो भी वर्कआउट करते हैं तो सबसे पहले वार्म अप हमको करना ही चाहिए और जिम पे आने के बाद, क्योंकि वार्म अप ऐसा चीज़ होता है तो आपको बॉडी को वो मूवमेंट जो रहेगा मूवमेंट को एकदम करते रहते हैं वर्कआउट, तो बाद में जाके आपको पेन फील ऐसा कुछ होएगा नहीं तो आप फर्स्ट वार्म अप करें। कोई भी एक्सरसाइज रेवोल्यूशन के हिसाब से लाइट वेट हैवी वर्कआउट नहीं करेंगे, लाइट वेट और रेवोल्यूशन ज़्यादा बढ़ाएंगे। फर्स्ट वर्कआउट के लिए 12.5 शोल्डर सीटेड कोई भी मूवमेंट फ्लेक्स कर रहा हूँ तो अभी फ्रंट डंबल के लिए ये पोजीशन से यहाँ पे रखेंगे लाइट वेट इन चेस्ट 4 7 8 9 10 11 दो सेट करने के बाद थर्ड एक्सरसाइज के लिए ड्रिल ड्रिल फ्लाई के 3 सेट करते हैं तो इसमें भी लाइट वेट और रेपिटेशन ज़्यादा बढ़ाएंगे। जब भी मैं लाइट वेट में वर्कआउट कर रहा हूँ तो मेरा जो शोल्डर का सेव और पंपनेस से काफ़ी बेटर रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं लाइट वेट वर्कआउट कर रहा हूँ तो पहले हैवी वर्कआउट करता था, आज मैं शोल्डर के लिए लाइट वेट वर्कआउट कर रहा हूँ तो वेल डन फ्लाई करते हैं।
एक बात बता दूं, लास्ट संडे मैं एक शो पे गया था और वहाँ पे फिटनेस एंड मॉडल उसमें शो चल रहा था, मैंने पार्टिसिपेट किया था तो उसमें ऑडियंस देख के तो आया वहाँ से, तो देखते रिजल्ट क्या था। रिजल्ट ये मेरा फर्स्ट शो था तो काफ़ी ज़्यादा पता आया और देखते दूसरा अगर कोई दूसरा शो होता है उसमें से भी देखते अगर चांस मिलता है तो। ये मैं आपको थिंक ये टाइम बेटर है क्योंकि फोकस अपनी जगह पे फोर सेट हो गए शोल्डर वर्कआउट के और टू सेट और है वो टू सेट में बटरफ्लाई डंबल और फ्रंट डंबल करके आज का वर्कआउट पक्के ख़त्म करेंगे। सिक्स सेवन एट नाइन टेन वन टू थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्सटीन सेवेंटीन एट नाइन। लास्ट एक्सरसाइज की डम्बल प्रेस करें इंसर्ट करेंगे और लाइट वेट तो हम क्या करेंगे बता, इस चीज को इस तरह हाइट और होल्ड वन सेकेंड होल्ड डाउन और डाउन ये चीज करेंगे और ये लास्ट वर्कआउट है। इसके बाद आफ्टर होम वन टू four, five, six, seven, eight, 13. जा रही तो घर पे आके हाफ एन आवर तो हो गए तो हम बनाने जा रहे हैं एक फर्स्ट मील क्योंकि ये हमारा टाइमिंग हो गया है 3:40 तो हम 3:40 आफ्टर फर्स्ट मील लेने वाले क्योंकि जिस दिन ब्लॉगिंग चलता है मेरा उस दिन थोड़ा लेट हो जाता है। अभी हम लोग बना रहे पनीर करी प्लस वाइट राइस और दिखाता हूँ मैं आप लोग को, ये 200 ग्राम पनीर प्लस लाइट मसाला और हमने बनाया राइस। वहाँ पे जिम से आने के बाद जब वर्कआउट करके मैं बाहर आया तो मुझे ना भूख से चक्कर आ रहा था, फिर मैंने वहाँ से थोड़ा पाव वगैरह उठाया वेज रोल तो वो खा के बाद में रूम पे आया था क्योंकि वहाँ पे ना मुझे ना ऐसा फील हुआ कि मेरे बॉडी के अंदर जो एनर्जी है वो पूरा ख़त्म हो गया है और उस चीज़ से ना मुझे ना चक्कर आने लग गए तो मुझे वहाँ पे चुली खाना पड़ा मुझे बाहर का फूड। सही है, अभी क्या करें तो थोड़ा बहुत जनरली हो सकता है तो अभी घर पे आके हम लोग फर्स्ट मील बना रहे तो ये खा के थोड़ा टाइम रेस्ट करेंगे, शाम को फ्री होने के बाद फिर जाएंगे हम कार्डियो के लिए। तो कार्डियो आज
हम कितना हजार स्टेप्स करते हैं तो आप लोग को मैं जरूर दिखाऊंगा। तो खाना खाने के बाद मिलती है जब हम लोग कार्डियो करने जाते हैं उस टाइम पे। लोग सो के उठ के थोड़ा फ्रेश होके अभी वॉक पे आया हूँ। आप लोग को मैंने बताया था कि मैं आज वॉकिंग का भी वीडियो बनाने वाला हूँ, तो हम लोग ये रोड पे आए और जो मैं ये बोल रहा हूँ कोई बात, एक मीम्स देखा था मैंने उस पर फनी कमेंट्स हो गए थे बहुत सारे, तो ये चीज़ भी मेरे साथ ना हो। और मेरे साथ आज वॉकिंग पे वो दिख रहा है इतना इधर उजाला है, ये भी आया है। तो आज देखते हैं 15,000 स्टेप्स के लिए पर होएगा कि नहीं पता नहीं, फिर भी उस हद तक आज कोशिश तो करेंगे। मुझे ना यार बाद में ना शाम के टाइम में ना कॉमेडी करने का मूड होता है, तो कॉमेडी करने से ना रुक अभी बताता हूँ तेरे को, रुक जा अभी ये चीज जरूर नजर आता है। चलो ये भी ठीक है, शहर काफी खूबसूरत है, ट्रैफिक और भी ज्यादा खूबसूरत है। बात तो सही है, दगा ट्रैफिक दिखाएंगे। ये देखो एक बात बता, तू कभी तो अकेले में ऐसा चला है? नहीं, इसका पहली ढेची कभी नहीं अकेले में। मैं अक्सर मैं रात को निकलता नहीं क्योंकि मैं काला हूँ, दिखता नहीं हूँ। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का, ये असली है ये लोना। देखो भाई इसकी जो दुख और दर्द की कहानी है बहुत भाई, काला तो ऊपर से तो इसको इसको दिन में तेरे को एक बात बताई, मेरे को एक कहानी सुनो, बताया था किसी ने तेरे को एक दिन ना तेरे को दिन में ना तेरे को टर्च लगा के ढूंढ रहे थे तेरे को, ये बात सच है क्या? एकदम सच है, वो ढूंढने वाले भी आप ही थे। कंट्रोल थे ना, देख ये बात समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। चलो गाइस, चलो हंसी मसाज तो होती ही रहेगी, हम आप उससे सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, ना वाक डिस्टर्बेंस करते ही रहे, मुझे जुबानी निकाल के बात कर।